हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, जिसे आप पराठे या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अगर कोई सब्जी ना भी हो तो भी आप इसे रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है इसे खाकर। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए टमाटर की चटनी बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ये आधा किलो अच्छे से पके हुए लाल टमाटर ले लिए हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टमाटर मिल रहे हैं रेड कलर के, और इनको बहुत ही अच्छे से हमने धुल लिया है। और अब हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से दो टुकड़ों में। ये देखिए, इस तरह से सारे टमाटर हम काट लेते हैं, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है इसको निकाल देना है इस तरह से। और अब हम सारे टमाटर इसी तरह से कट कर लेते हैं। अब देखिए, सारे टमाटर हमने कट कर लिए हैं। अब एक पैन को गरम कर लेते हैं। अब ये कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये एक बड़ा चम्मच भर के तेल डाल देते हैं। हमने तेल यहाँ पे सरसों का लिया है। सरसों के तेल में कोई भी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ये तेल अच्छे से गरम कर लेना है, जब तक इसमें धुआं ना आ जाए। और अब एक चौथाई चम्मच हमको हींग डाल देना है, और दो छोटे चम्मच हम ये सरसों के दाने डाल देते हैं, और एक छोटा चम्मच भर के हम यहाँ पे ये खड़ा जीरा डाल देते हैं। और अब ये कलौंजी डाल देना है हमको आधा छोटा चम्मच, इसको ऑनियन सीड भी बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और एक मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पका लेना है। ध्यान रहे, फ्लेम को लो ही रखिए, जिसमें ये मसाले जले ना। और अब यहाँ पे हम ये दो बड़े चम्मच भर के हमने ये लहसुन लिया था, इसको बारीक कट कर लिया है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कटा हुआ लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है चटनी में। जब इसको मिक्स करके हमें दो मिनट तक पका लेना है, जिसमें लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और अब हम यहाँ पे ये दो मीडियम साइज़ के प्याज डाल देते हैं बारीक कटे हुए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया था। और अब प्याज को भी अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसको चलाते हुए हम दो मिनट तक पका लेते हैं। प्याज को हम फुल फ्लेम पे ही पकाते हैं, जल्दी से पक जाता है। तो जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। और अब ये प्याज का कलर चेंज हो गया, अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरह से हमको टमाटर एक एक करके रखना है, स्किन ऊपर रहे इस तरह से हम रखेंगे, जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं, आप भी इसी तरह से रखिएगा। और अब हम यहाँ पे ये आधा कटोरी पानी डाल देते हैं, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जले भी ना। अब हम इसे ढक के लगभग 8 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं, तो उसमें 8 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। और ध्यान रहे, आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएंगे और अंदर से ये हार्ड रहेंगे। और अब हम ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं, ये पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से, और इसकी स्किन भी बहुत ही आसानी से निकल आएगी। तो आप इस तरह से एक चिमटा लीजिए और उससे स्किन निकाल दीजिए इसकी। अब इसी तरह से सारे टमाटरों की स्किन हम निकाल देते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल आती है। और अब हम इसे एक चम्मच से अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं।
देखिए अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और अब हम इसे चला देते हैं एक बार। और अब हम यहाँ पे ये थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे ये नमक डाल देना है थोड़ा टेस्ट के हिसाब से। हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और ये काला नमक है, इसे पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, एक चम्मच डाला है हमने। और अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डाल देना है, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच डाल देना है। और लाल मिर्च पाउडर हमें ये आधा चम्मच डाल देना है। और ये शक्कर एक चम्मच डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आपको चटनी मीठी पसंद है तो आप दो चम्मच भी शक्कर डाल सकते हैं। और चाट मसाला पाउडर एक चम्मच डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करते हुए पका लेना है। बस 2 मिनट तक ही अब हमें इसे पकाना है, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो हम ढक के पका लेते हैं इसको। अब इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे ये 2 हरी मिर्च काट के डाल लेते हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। अगर आप लंबे समय तक ये चटनी रखना चाहते हैं तो हरे धनिया और हरा मिर्च मत डालिए, हमको ये 2 ही 3 दिन में ये ख़त्म हो जाती, तो इसलिए हमने हरा धनिया और हरा मिर्चा डाला है। अब इसको हम चला देते हैं। और अब यहाँ पे हम ये वाइट विनेगर डाल देते हैं, इससे चटनी आपकी 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होती है। तो ये 2 बड़े चम्मच हम डाल रहे हैं, इससे टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़ जाता है। ये 2रा चम्मच। और अब विनेगर डालने के बाद हम इसको एक बार चला देते हैं। और ध्यान रहे फ्लेम को हम ऑफ कर चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और कुछ देर तक हम ढक के इसको रख देते हैं। और अब ये हमारी मज़ेदार चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है इसे खाकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे मेथड से इस चटनी को बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल का सपोर्ट करिए। आप लोग मेरी रेसिपी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। बाय।